हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई और मैं आज का करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और इस करंट अफेयर्स का जो वीडियो है इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो मैं इस करंट अफेयर्स की वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर जो है वो है फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। हेलेंस्की में ये बैठक आयोजित की गई थी। और हेलेंस्की में ये बैठक क्यों आयोजित की गई थी? क्योंकि सन 1995 में फिनलैंड यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, लेकिन ये जो सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं था, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये जो बैठक है, इस बैठक में निष्पक्षता रहती और ये निष्पक्ष होने की जगह थी, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई भी ऐसा विवाद नहीं उत्पन्न हो सकता था। इस कारण से ये बैठक फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित की गई थी। फिनलैंड जो कि नाटो का सदस्य नहीं है, तो नाटो क्या है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। नाटो है क्या? नाटो है एक ऐसी संस्था जिसमें कि वो सदस्य देश हैं जो कि एक दूसरे की सैन्य सुरक्षा के लिए वादा करते हैं। तो नाटो की स्थापना कब की गई थी? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास में जितने भी देश हैं उन देशों की ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है ना, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके जो फाउंडर देश थे वो थे 12, ठीक है ना, 12 देशों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना का कारण ये था कि जो भी इस नाटो के सदस्य देश हैं, अगर उस पर कोई अन्य देश जो कि नाटो का सदस्य नहीं है वो अगर, या फिर कोई ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन नाटो देश के सदस्यों पर हमला करती है या फिर आक्रमण करती है या कोई मिलिट्री कार्रवाई करती है या फिर कोई सैनिक कार्रवाई होती है, तो उस पर ये सभी नाटो देश की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश को के साथ में सहयोग करेंगे और सब मिलकर उस देश पर या फिर उस गैरकानूनी जो हमला कर रहा है उस पर हमला करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितने मेंबर हैं? अभी 29 मेंबर्स हैं, जो कि 29 मेंबर्स कंट्री हैं जो कि इसके सदस्य हैं। और इसका और नाटो का 7 टाइम इसका एनलार्जमेंट हो चुका है। एनलार्जमेंट मतलब विस्तार, 7 बार इसका विस्तार हो चुका है। और आखिरी 7वां बार विस्तार कब हुआ था? ये हुआ था जून 2017 में आखिरी बार इसका विस्तार किया गया था, ठीक है। और इसमें जो विस्तार किया गया था उस टाइम, जो आखिरी देश जो इसके इसका जो सदस्य बना है वो है मोंटेनेग्रो, ठीक है, मोंटेनेग्रो, जो कि इससे पहले यूगोस्लाविया का पार्ट था, ठीक है ना, यूगोस्लाविया, जो कि 1945 से लेके 2006 तक इसका हिस्सा रहा। उसके बाद में इसको अलग हो गया मोंटेनेग्रो। और 5 जून 2017 को ये नाटो देश का सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? अभी जो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, उसमें गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसका उत्तर है हैरी केन, ठीक है ना, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं हैरी केन, उनको ये गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने 6 मैचों में 6 गोल किए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ये खिलाड़ी थे 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में। उनको ये जो गोल्डन बूट का पुरस्कार है दिया गया है, ठीक है ना। इससे पहले जो 2014 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये गोल्डन बूट का पुरस्कार किसको मिला था? कोलंबिया के हमेस रेड्रिगेज को दिया गया था, ठीक है ना, कोलंबिया के हमेस रेड्रिगेज को दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक है ना। और इस बार किसको मिला है? इस बार मिला है इंग्लैंड के हैरी केन को मिला है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ला तेराना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ठीक है ना, ला तेराना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो इसका उत्तर है, ला तेराना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? उत्तरी चिली में। उत्तरी चिली में ये फेस्टिवल मनाया गया, और ये फेस्टिवल वर्जन डेल कैमरान, ठीक है ना, के सम्मान में मनाया जाता है। वर्जन डेल कैमरान कैरमैन, इसके इनके सम्मान में मनाया जाता है, और ये एक उत्तरी चिली का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सवों में से एक है। ये उत्तरी चिली में एक धार्मिक उत्सव होता है, उसमें से ये सबसे बड़ा त्यौहार है जो कि मनाया जाता है, और ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? वर्जन डेल कारमैन, वर्जन डेल कारमैन है, उनके सम्मान में ये उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिनेश चांडीमल का संबंध किस खेल से है? दिनेश चांडीमल का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब है, दिनेश चांडीमल इनका संबंध क्रिकेट से है, ठीक है ना, ये क्रिकेट से संबंधित हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये है श्रीलंका के, श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका टीम के ये कैप्टन हैं, और हाल ही में इनको 4 दिवसीय मैचों के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, ठीक है ना। दिनेश चांडीमल जो कि श्रीलंका टीम के कप्तान भी हैं, क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, और हाल ही में इनको 4 1-दिवसीय मैचों में प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। और ये जो प्रतिबंध है ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि वेस्ट इंडीज के का जब दौरा हुआ था उस समय सेंट लुइस के टेस्ट मैच के दौरान इन्होंने बाल टेम्परिंग के लिए दोषी पाए गए थे, ये बाल की टेम्परिंग के लिए दोषी पाए गए थे, और इस कारण से इनको प्रतिबंधित किया है 4 मैचों के लिए, 4 1-दिवसीय मैचों के लिए इनको प्रतिबंधित भी कर दिया गया है, और ये श्रीलंका क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। अगला क्वेश्चन है, हवासु फॉल कहाँ पर स्थित है? हवासु फॉल वाटरफॉल, ठीक है ना, वाटरफॉल है ये हवासु, और ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है, हवासु फॉल कहाँ पर है? अमेरिकी राज्य के एरिजोना के ग्रैंड कैनियन, ठीक है ना, एरिजोना के ग्रैंड कैनियन में स्थित है, और ये जो हवासु फॉल है ये 90 फुट ऊँचा है, ठीक है, 90 फिट ऊँचा झरना है, इतनी ऊँचाई से ये बहता से गिरता है, और ये कहाँ पर है? एरिजोना के ग्रैंड कैनियन में, और एरिजोना का अभी ही 106वां, ठीक है ना, 106वां जन्मदिन मनाया गया, यानी कि एरिजोना को की स्थापना 106 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना, तो इसका हाल ही में 106 जन्मदिन भी मनाया गया इस राज्य का, एरिजोना राज्य का। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक रिंग में कितने रंग होते हैं? ओलंपिक गेम होता है उसमें जो रिंग बनाए जाते हैं, इसमें ये 5 रिंग होते हैं, ठीक है ना, तो ये 5 रिंग में कितने कलर होते हैं? हर रिंग का कौन कौन सा कलर होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 5 रंग। ओलंपिक की रिंग में 5 रंग होते हैं, और ये जो 5 रंग हैं ये 5 महाद्वीप हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उन 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नीला रंग है इसमें एक रंग होता है नीला रंग, ठीक है ना, नीले रंग का बनता है, और दूसरा होता है पीला रंग, ठीक है, दूसरा पीले रंग का होता है, और तीसरा होता है लाल रंग, तीसरा लाल रंग का होता है, और चौथा होता है काला रंग, और पांचवा होता है वो होता है हरा रंग, तो ये 5 रंग को ही प्रेजेंट करते हैं। ये जो 5 रंग हैं इसमें जो नीला रंग ये यूरोप के लिए होता है, और पीला रंग जो होता है ये एशिया, ठीक है ना, ये एशिया को रिप्रेजेंट करता है, और लाल रंग अमेरिका के लिए रिप्रेजेंट करता है, और काला रंग जो है वो अफ्रीका के लिए, ठीक है ना, अफ्रीका, और जो हरा रंग है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है ना, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से ये 5 रंग है, ठीक है ना, ये 5 रंग 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ये 5 महाद्वीप हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 5 रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, पीला, लाल, काला और हरा। अगला क्वेश्चन है, मरियम शरीफ कौन है? तो इसका उत्तर है, मरियम शरीफ पाकिस्तान की जो पूर्व प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ उनकी बेटी हैं, ठीक है ना, पर पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है जिनको कि अभी हाल ही में सजा सुनाई गई है भ्रष्टाचार के मामले में, उनकी ये बेटी है नवाज शरीफ,
की बेटी हैं ये मरियम शरीफ, और इनको भी, मरियम शरीफ को भी भ्रष्टाचार के मामले में ये दोषी पाई गई हैं। पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इनको सज़ा सुनाई है, और मरियम शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इन दोनों को सज़ा सुनाई है, साथ में अन्य जो इनके साथी हैं उनको भी सज़ा मिली है, ठीक है ना। और इनको हाल ही में जेल की बी श्रेणी की सुविधा जो दी गई थी वो दी गई है, लेकिन उन्होंने इनको लेने से मना कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे कानून है कि जितने भी अमीर परिवार के घराने हैं अगर वो उनको जेल होती है तो उनको बी श्रेणी की, ठीक है ना, बी कैटेगरी की जो सुविधाएँ हैं जेल में वो दी जाती हैं। तो इसमें क्या क्या दिया जाता है, बी श्रेणी की जो सुविधा है उसमें ये व्यक्ति अपने खर्चों के ऊपर, ठीक है ना, अपने स्वयं के खर्चे के ऊपर ये गद्दा, टेबल, कुर्सी, पंखा और 21 इंच की जो टीवी है और अखबार ये ला सकते हैं, ठीक है ना, और ये उनको दिया जा सकता है, और ये सब उनकी खुद के खर्चों पर होगा, ठीक है ना, वो खुद अपने खर्चा इसके लिए देंगे और उस खर्चे पर ये खुद वहन कर सकते हैं, और ये सब बी कैटेगरी, बी श्रेणी की जो जेल है, ठीक है ना, उसमें रखा गया है इनको, और उसमें ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और वो भी इनकी निजी खर्चों पे, ठीक है ना, ये स्वयं खर्चा करते हैं उसमें, जिसमें गद्दा, टेबल, कुर्सी, पंखा और एक टीवी जो कि 21 इंची का, और हर रोज़ का एक अखबार इनको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास मानव रहित स्वचलित मौसम निगरानी केंद्र स्थापित किया है, ठीक है ना, मानव रहित है वो, उसमें कोई भी ह्यूमन बींग्स उसमें ऑपरेट नहीं करता उसको, और वो है मौसम निगरानी केंद्र, ठीक है ना, वो किस देश ने स्थापित किया है, तो इसका जवाब है चीन। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास में, ठीक है ना, मानव रहित स्वचलित यानी कि बिना ह्यूमन बींग्स के वो स्वचलित यानी स्वयं ऑपरेट होता है वो, और वो मौसम निगरानी केंद्र स्थापित किया है, वो भी चीन ने किया है, ठीक है ना। और इस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना जो भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका आंसर है बिहार, बिहार के दरभंगा ज़िले में ये शुरू की गई है, और विश्व की ये सबसे सस्ती पेयजल परियोजना है, और ये परियोजना किसने शुरू की है, ये परियोजना सुलभ इंटरनेशनल द्वारा शुरू की गई है, सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है ना, सुलभ इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है, और ये कहाँ पर, बिहार के दरभंगा ज़िले में ये योजना शुरू की गई है, और ये विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया है अभी हाल ही में, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो इसका उत्तर है रामनाथ, जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है, और वो 4 सदस्य कौन से हैं, राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह, रघुनाथ महापात्र और राम सकल सिंह, इन 4 सदस्यों को मनोनीत किया है अभी हाल ही में, और ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये जो अनुच्छेद 80 है, ठीक है ना, आर्टिकल 80 के तहत ये सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं कुल, और ये जो सदस्य हैं ये भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार किए जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं, और सलाह के बाद में ये 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, द धोनी टच अनरिवेलिंग द एग्मा दैट इन महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, क्या नाम है इस पुस्तक का, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है, कौन सा पुस्तक है, द धोनी टच अनरिवेलिंग द एग्मा दैट इज महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, द धोनी टच अनरिवेलिंग द एग्मा दैट इन महेंद्र सिंह धोनी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, भरत सुदर्शन, ठीक है ना, भरत सुदर्शन जी ने इस पुस्तक को लिखा है, और इस पुस्तक में जो महेंद्र सिंह धोनी हैं भारत के सुविख्यात क्रिकेटर हैं, और भारत के ये पूर्व कप्तान भी रहे हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया है, 2011 का वर्ल्ड कप इन्हीं के जो क्रिकेट वर्ल्ड वनडे वर्ल्ड कप है जो इन्हीं की कप्तानी में जीता गया, और इससे पहले 2007 का
2020 वर्ल्ड कप है, वो भी इन्हीं की कप्तानी में जीता गया था। और भारत के बहुत ही ज़्यादा विख्यात ये पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं, और इन्हीं के नाम पर ये बुक जो लेखक हैं भरत सुदर्शन, इन्होंने लिखी है। और इन्होंने ये बुक रांची में धोनी की जो अलग अलग रंग प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि ये धोनी रांची के रहने वाले हैं और रांची में इन्होंने किस तरीके से क्रिकेट खेला उसके रंग इस बुक में प्रस्तुत किए हैं, जो कि बुक का नाम क्या है, अनरिवेलिंग एकमा द महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, धोनी टच, ठीक है, इस नाम की बुक है। और इसमें इन्होंने रांची के अलग अलग रंग प्रस्तुत किए हैं, रांची में जब क्रिकेट खेलते थे महेंद्र सिंह धोनी, उसके बारे में इसमें बुक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा नेशनल कल्चरल फंड की स्थापना की गई है? किस मंत्रालय द्वारा नेशनल कल्चरल फंड की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर, इसका जो उत्तर है वो है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, सांस्कृतिक मंत्रालय, ठीक है ना, कौन सा मंत्रालय है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस फंड की स्थापना की गई है, जिसका नाम है नेशनल कल्चरल फंड, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना क्यों की गई है, क्योंकि ये सांस्कृतिक धरोहर है जो भारत की, ठीक है ना, उसको उसका संरक्षण करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई है। और इसमें जो ऐसी इमारतें, ठीक है ना, भारत की ऐसी इमारतें जिसका संरक्षण पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है ना, उनका संरक्षण नहीं किया जाता है, वो सारी इमारतें का संरक्षण इस फंड द्वारा किया जाएगा। और ये जो इमारतें हैं जो भारत के औद्योगिक घराने हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, औद्योगिक घराने हैं, उनको ये इमारतें संरक्षण के लिए दी जाएंगी और वो इनका संरक्षण करेंगे। और इस कारण से ये जो नेशनल कल्चरल फंड की स्थापना की गई है, और अब से जो भारत के औद्योगिक घराने हैं उनको इसकी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको गोद लेने के लिए कहा जाएगा, यानी कि जो औद्योगिक घराने हैं वो अब इन इमारतों को गोद ले सकेंगे और इनका संरक्षण कर सकेंगे, जो कि भारत की ऐतिहासिक इमारतें हैं और जिनका संरक्षण भारतीय जो पुरातात्विक विभाग है वो उनका संरक्षण नहीं कर पा रहा है, वो ही इमारतें अब जो कि भारत के औद्योगिक घराने हैं वो इनकी उनको गोद ले पाएंगे और उनका संरक्षण वो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, टिम काहिल किस खेल से संबंधित हैं? टिम काहिल ये खिलाड़ी हैं और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है, टिम काहिल फुटबॉल खेल से संबंधित हैं, ठीक है ना, ये फुटबॉल प्लेयर हैं। और ये फुटबॉल प्लेयर कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल प्लेयर हैं। और इन्होंने अभी तक 107 मैच खेले हैं जिसमें कि 50 गोल किए हैं, ठीक है ना, 107 मैचेज में इन्होंने 50 गोल किए हैं। और इन्होंने 2006 के वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल किया था, वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था 2006 का, उसमें इन्होंने गोल किया था, इस कारण से ये पॉपुलर हुए। और अभी इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने के लिए भी घोषणा की है, ठीक है ना, फुटबॉल जो गेम है उससे ये संन्यास लेने की भी इन्होंने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुर्गा शक्ति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य में, भारत के किस राज्य में दुर्गा शक्ति नामक, ठीक है ना, दुर्गा शक्ति नामक जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है हरियाणा, हरियाणा राज्य ने ये जो ऐप है दुर्गा शक्ति नामक वो ऐप लॉन्च किया है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है ना, मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। और ये मोबाइल ऐप किस लिए लॉन्च किया है, ये महिलाओं के विरुद्ध जो आपराधिक केस जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है ना, और उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए का जो उद्देश्य है उसके लिए ये लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो वहाँ की जनता है और पब्लिक है वो इससे मोटिवेट हो और कहीं ना कहीं इससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके, ठीक है ना। तो ये मोबाइल ऐप का नाम क्या है, दुर्गा शक्ति नामक ऐप है जो कि हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अन्ना कैंटीन नामक सेवा शुरू की गई है? ठीक है ना, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में अन्ना कैंटीन नामक सेवा शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश, भारत का जो राज्य आंध्र प्रदेश है वहाँ पर अन्ना कैंटीन नामक सेवा शुरू की गई है, ठीक है।
और यहाँ पर 5 रुपये में, ठीक है ना, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये सेवा जो कैंटीन सेवा है अन्ना कैंटीन नामक, ये टीडीपी की जो संस्थापक हैं एनटी रामा राव, उनके नाम पर रखा गया है इसका नाम, इस कैंटीन का नाम, जो टीडीपी के संस्थापक एनटी रामा राव जी हैं उनके नाम पर इस कैंटीन का नाम रखा गया है। और यहाँ पर 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा गरीब लोगों को। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, चंद्राबाबू नायडू जी, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्राबाबू नायडू जी। अगला क्वेश्चन है सोलवा, एलजीबीटीक्यू समुदाय क्या है, ठीक है ना, एलजीबीटीक्यू समुदाय क्या है, एलजीबीटीक्यू समुदाय कौन से कहलाते हैं, लिस्बियन, गे, बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर, ठीक है ना, ये लोग इस समुदाय में आते हैं। एल फॉर लिस्बियन, जी फॉर गे और बी फॉर बाइसेक्चुअल, टी फॉर ट्रांसजेंडर और क्यू फॉर क्वियर, ठीक है ना। तो एलजीबीटीक्यू का समुदाय क्या है, ये सभी लोग इस समुदाय में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कांग्रेस ने राजद्रोह एक्ट की मंजूरी कब दी थी, राजद्रोह एक्ट, अमेरिकी कांग्रेस ने राजद्रोह एक्ट बनाया था और इसकी मंजूरी उन्होंने कब दी थी। तो इसका उत्तर है, अमेरिकी कांग्रेस ने राजद्रोह एक्ट की मंजूरी कब दी थी, 14 जुलाई 1798 में, ठीक है ना, 14 जुलाई 1798 में, ठीक है ना, इसमें इसकी मंजूरी दी थी। और इसके बाद में सरकार के खिलाफ कोई गलत या भ्रम फैलाने वाली बात ना लिखना, छापना और बोलना भी अपराध था, ठीक है ना। जब से ये जो एक्ट बना था उसके बाद में आप सरकार के खिलाफ ना कोई गलत भ्रम फैला सकता था, ना ही कोई लिख सकता था, ना ही कुछ छाप सकता था, और इसके खिलाफ बोलना भी अपराध बन गया था। अगला क्वेश्चन है 18वां, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, ठीक है ना, इंटरनेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है, तो इसका उत्तर है, नेट न्यूट्रलिटी के तहत किसी भी इंटरनेट प्रदाता को, ठीक है ना, इंटरनेट प्रदाता को कोई भी उपभोक्ता, ठीक है ना, जो इंटरनेट ले रहा है, इंटरनेट का जो यूज़र है, ठीक है ना, उपभोक्ता एक जैसी स्पीड, है ना, हर तरीके की डेटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना, एक जैसी स्पीड भी होगी उसको और हर तरीके का डेटा वो एक्सेस कर सकता है। उसमें जो इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर है वो उसमें कोई भी सर्विस को स्टॉप नहीं कर सकता है, और जो सर्विस टेकर है, ठीक है ना, जो कंज्यूमर है वो एक जैसी स्पीड में इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसका सीधे शब्दों में अर्थ ये है कि इसमें इंटरनेट एक ऐसी आज़ादी जिसमें कि स्पीड या एक्सेस को लेकर किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं होगी इसमें, और किसी भी इंटरनेट का जो यूज़र है, ठीक है ना, वो अपने नेटवर्क पर जानबूझ कर, ठीक है, मतलब कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो जानबूझकर, और जो इंटरनेट का कंज्यूमर है उसकी ना स्पीड को वो हैक करेगा, ना स्पीड को रोकेगा, और ना किसी वेबसाइट को के कंटेंट को वो ब्लॉक भी नहीं कर सकता और ना वो धीमा कर सकता है, ठीक है। तो ये है नेट न्यूट्रलिटी का मतलब। क्वेश्चन 19 है, हाल ही में किस खेल की टीम को, किस खेल की टीम को टारगेट ओलंपिक पोडियम में शामिल किया गया है, किस खेल की टीम को टारगेट ओलंपिक पोडियम में शामिल किया गया है, भारत की किस टीम को। तो इसका आंसर है पुरुष हॉकी टीम, ठीक है ना, पुरुष हॉकी टीम है जो, उसकी पूरी टीम को टारगेट ओलंपिक पोडियम में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये टारगेट ओलंपिक पोडियम है क्या, इस योजना के तहत राष्ट्रीय खेल विकास कोष के दायरे में ये प्रारंभ की गई है, ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल विकास जो कोष है उसके दायरे में ये योजना प्रारंभ की गई है। और इसका उद्देश्य है आगामी जो ओलंपिक खेल हैं, ठीक है ना, उसमें जो संभावित पदक विजेता हैं, ठीक है ना, जो कि पदक जीत सकते हैं, ठीक है ना, उनको सामर्थ्यवान बनाया जा सके, यानी कि उनकी सारी जो कैपेसिटी है वो उनकी बढ़ाई जा सके, इस कारण से ये योजना चालू की गई है, ठीक है ना, जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम, ठीक है। और ये किसके लिए, हॉकी टीम, ठीक है ना, पुरुष हॉकी टीम है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, कह रहे उनको सामर्थ्यवान बनाया जा सके, उसके लिए ये योजना चालू की गई है, जो कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष के दायरे में इसको प्रारंभ किया गया है। आखिरी और ये 20वां क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी चैलेंज शुरू किया गया है, ठीक है ना, क्या नाम है उसका, टेक्नोलॉजी चैलेंज, ठीक है ना, किस मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर है आवासीय एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, आवासीय एवं शहरी
मामले के मंत्रालय हैं, उन्होंने ये चैलेंज शुरू किया है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी चैलेंज, ठीक है ना, ये शुरू किया है। और ये किस लिए किया गया है, ये सीवर एवं सेप्टी टैंकों की सफाई हेतु, ठीक है ना, जो सीवर सीवेज है, सीवेज और सेप्टी टैंक है उनकी सफाई हेतु ये अभियान और ये शुरू किया गया है। और इसमें ये इसलिए शुरू किया गया क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हो दिया जा सके और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये चैलेंज शुरू किया गया है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के साथ में किस तरीके से सफाई की जा सके, ठीक है ना, कौन से उपकरण हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी में इस सेप्टी टैंक और सीवर की सफाई के लिए उपयोग किए जा सके, उसके लिए ये चैलेंज शुरू किया गया है, ठीक है ना। और किसने किया है, ये आवासीय एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने। दोस्तों इसी के साथ में ये मेरा वीडियो समाप्त होता है जो कि डेली करंट अफेयर्स 30 जुलाई का था। मेरे इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप मेरे को अपने राय दें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।